दो दो किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं। मेरा नहीं जा रहा। अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही है, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु सैनिक सुरक्षा की मांग करता हूँ और सीबीआई जांच को आप और मीडिया के लोगों ने और मैंने सबने देखा कि सीबीआई जांच भी सरकार के आदेश पर काम करती है। जब विपक्ष को दबाना होता है तो सीबीआई की चाबी घूमती है। सीबीआई का इस देश में अभी यही काम है। इस सरकार में पहले क्या होता था उस पर नहीं बात करेंगे, आज इस पर बात करेंगे। सरकार के रूपरेखा में जो इन्होंने काम किया है, इनके नेतृत्व में सीबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। इस सरकार पे इनके एजेंसियों पे कोई भरोसा नहीं है। ये एजेंसियां सिर्फ वो करेंगे जो सरकार चाहती है। तो वो रिटायर्ड जज हो और अगर बहुत अच्छा करना चाहती है सरकार, अगर सरकार पूरे देश में जो विरोध है तो उसको समझते हुए सरकार ये करेगी, वो अगर शेड्यूल कास्ट का जज हो या माइनॉरिटी का जज हो या बैकवर्ड का जज हो या वो जज हो कोई जो भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखता हो तो उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ये सीबीआई और इससे काम नहीं चलेगा। जो कुछ यहाँ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से उस दिन बुआ जी को पीटा गया, बुआ जी यहाँ है, बुआ जी को पीटा गया, ये पीड़ित परिवार, जब पीड़ित परिवार का सरकार न्याय नहीं करेगी तो कौन न्याय करेगा? जिस तरह से हमारे लोगों के पे पुलिस ने अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, आप ये बताइए जब यहाँ हमारे लोग सुरक्षित नहीं तो यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। कल यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ मांग करता हूँ कि मैं परिवार को साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। क्या तो सरकार यहाँ वायु श्रेणी की सुरक्षा की घोषणा करे और वो परमानेंट परिवार के साथ रहे। हम मेरे साथ पीड़िता बहन के पिताजी हैं, वो मेरे परिवार के हैं, वो आपसे बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। भाव जी हमें तो यही है कि कम से कम ना तो हमें या तो भैया के संग चले जाऊंगे या नहीं तो मैं सुरक्षा दीजिए चेहरा डुब लीजिए। यही जो हैं, यही लोग जो हैं धमकी दिला रहे हैं प्रशासन के लोग, यही लोग जो है डरा रहे हैं। तो मैं ये मांग करता हूं कि सरकार अगर दलितों के साथ न्याय करना चाहती है, उस बेटे के साथ न्याय करना चाहती है तो पीड़ितों का सुरक्षित रहना जरूरी है। जब ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? इसलिए मैं पीड़ित परिवार को साथ जाने की मांग करता हूँ और पीड़ित परिवार इस पर सहमत है। आप लोग मेरे साथ चलने को तैयार हैं? आपको लगता है मेरे साथ आप लोग सुरक्षित हैं? हुआ आप लोग मेरे साथ सुरक्षित हैं? पूरा परिवार यहाँ नहीं रहना चाहता क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी यहाँ दो दो किलोमीटर पंचायतें हो रही है। कल को कोई भीड़ आके हमारे परिवार पे हमला कर देगी। सरकार में बैठे लोग पुलिस को का जिस तरह यूज कर रहे हैं आप सब देख रहे हैं। पूरे देश में जो खलबली है, पूरे देश में जो आक्रोश है, सरकार को उसको समझते हुए इस मांग पे गौर करना चाहिए। और मैं खुद चाहूंगा, मैं अधिकार पर बात करूँ, पीड़ित परिवार को साथ लेके जाऊँ। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं नहीं चाहता कोई भीड़ जो है कल मेरा परिवार सिर्फ अखबार की सुर्खियाँ बन के रह जाए। धन्यवाद।